भाव ही है। तू तो वैज्ञानिकों की तरह पहले से ही हथियार तैयार करके रखे हैं। प्रश्न आया है, भगवान को साक्षात्कार कैसे, वो ब्रह्मा को साक्षात्कार कैसे हुए? क्या साक्षात्कार हुआ वो तो मालूम है कि सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ, लेकिन कैसे हुए इसका कारण क्या? साक्षात्कार भक्तों को होते हैं या ज्ञानी तो आत्माओं को होते हैं? भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। जगदम्बा सरस्वती को कभी साक्षात्कार नहीं हुए, क्यों? वो तो ज्ञानी तो आत्मा थी। ये कैसे कहें कि जगदम्बा सरस्वती ज्ञानी तो आत्मा थी और ब्रह्मा बाबा जिन्होंने उसको जन्म दिया वो भगत थे? इसका प्रूफ है नहीं, ओम राधे मम्मा सरस्वती ज्ञानी तू आत्मा थी, इसका ये प्रूफ है कि उन्होंने मनन चिंतन से ऐसा अच्छा श्रेष्ठ पॉइंट निकाला जो आज तक किसी ने निकाला ही नहीं। इतना काम का पॉइंट निकाला। क्या निकाला? हाँ, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है ऐसे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु है। बच्चा सांप जैसा लंबा तो बाप भी सांप जैसा लंबा। हाथी मोटा ताजा तो उसका बच्चा भी मोटा ताजा। जैसा बाप वैसा बेटा। रूप ज्यों का त्यों होता है बाप बेटे का। तो आत्मा ज्योति बिंदु अणु अणियन, गीता में भी बोला है मैं अणुरूप हूं, तो बाप भी, आत्माओं का बाप भी जरूर अणुरूप। लाल लाइट का इतना बड़ा गोला कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जो शिवलिंग दिखाया, ये शिवलिंग इतना बड़ा बाप नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप तो आत्मा जैसा ही होगा। तो मम्मा ज्ञानी तू आत्मा थी, उनकी बुद्धि चलती थी, औरों की बुद्धि ब्रह्मा कुमारों की इतनी नहीं चलती थी, ब्रह्मा बाबा की तो बिल्कुल ही नहीं चलती थी। इसलिए उनको पार्वती का बाप दिखाई दिया। किनको? हैं? ब्रह्मा बाबा को। पार्वती का बाप नाम रख दिया हिमालय। किसकी पुत्री थी? हिमालय की पुत्री थी। हिमालय में क्या होता है? हिम का आलय, आलय माने घर, हिम माने पहाड़, वो बर्फ, बर्फ का पहाड़। जैसे बर्फ जाम होती है, पानी बहता ही नहीं। बर्फ होती है तो पानी बहता है नहीं? ऐसे उनकी बुद्धि जामड़ी थी, ज्ञान जल बहता नहीं था। तो जिनकी बुद्धि जामड़ी रहती है लेकिन प्योरिटी के प्रति विशेष प्यार होता है,
तो ऐसी विशेष प्योरिटी के प्रति प्यारी आत्माओं को भगवान बाप साक्षात्कार कराते हैं। रुद्रमाला के मणके जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं पवित्र रहते हैं या अपवित्र रहते हैं? पवित्र रहते हैं, अपवित्र होते हैं। पवित्रता के प्रति उतना प्यार नहीं है तो उनको साक्षात्कार नहीं होता। उनका जो मुखिया है उसको भी कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। तो भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं, ये फाउंडेशन है नई दुनिया का। फाउंडेशन डालने के लिए भक्तों को ही उठाना पड़ता है। सारी दुनिया में भक्त ही भक्त है कि कोई ज्ञानी भी है? है? सारी दुनिया में भक्त ही भक्त हैं या कोई ज्ञानी भी है? है? ज्ञानी तो कोई भी नहीं, सब भक्त ही भक्त हैं। ज्ञानी तो ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ब्रह्मा को कहा जाता है? किसको कहें ज्ञानी? ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं। तो ब्राह्मण की पैदाइश किससे? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा आधार है, जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है वो उतना ही जास्ती भगवान से ज्ञान प्राप्त करता है। तो जास्ती भक्ति किसने की? ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा को भक्ति का रास्ता किसी ने दिखाया या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया है? द्वापर के आदि में ब्रह्मा वाली सोल राजा विक्रमादित्य बनती है तो उसको भक्ति का रास्ता किसी ने दिखाया होगा तब भक्ति की या अपने आप की? है? हाँ जरूर, उसका गुरु था, उस गुरु ने रास्ता दिखाया तभी तो भक्ति की। तो पहला पहला भक्त हुआ प्रैक्टिकल में वो आत्मा, ऐसे भक्ति का साक्षात्कार नुदा हुआ है। 2500 वर्ष के द्वापर कलयुग के ड्रामा में भक्तों को साक्षात्कार होते हैं या सतयुग त्रेता में साक्षात्कार होते हैं? भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। तो द्वापर कलयुग में जन्म जन्मांतर जिसने जास्ती भक्ति की होगी संगम युग में भी उसको साक्षात्कार पहले पहले होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा वो साक्षात्कार हुए। और परीक्षा हाल में जब प्रश्न पत्र आ जाए तब फिर टीचर से पूछना शुरू कर दो, ऐसे होता है क्या? अरे पढ़ाई अभी तक हुई, अब पढ़ाई के प्रश्न पत्र आ गए तो उनके नंबरवार जवाब मिलेंगे, नंबरवार जवाब देंगे या सारे प्रश्नों का जवाब टीचर से ही पूछेंगे बैठ करके स्टूडेंट? है? किससे पूछेंगे? प्रश्नों का जवाब अपने आप देना पड़ेगा या परीक्षा हाल में टीचर से पूछ लेंगे? ये तो बहुत सहज रास्ता निकल आया 6 नंबर लेने का। टीचर कहेगा
अब तुम परीक्षा हाल में तुम प्रश्नों का जवाब पूछते हो, अभी तक क्या बाहर झोंकते रहे? टीचर नाराज होगा, परीक्षा हाल से निकाल के बाहर कर देगा या अंदर बैठाएगा? बाहर ही कर देगा। इसलिए प्रश्न पत्र आए हैं, ऊपर से आए हैं प्रश्न पत्र, टीचर ने तो नहीं दिए। प्रश्न पत्र टीचर लिख करके देता है कि प्रश्न पत्र ऊपर से आते हैं? ऊपर से आते हैं। तो प्रश्न पत्र आए हैं, अब उनका जवाब लिखो अपने अपने तरीके से। जिसका जैसा जवाब होगा वैसे उसको नंबर मिलेंगे। आजकल के टीचर नरक बनाने वाले हैं या स्वर्ग बनाने वाले हैं? बोलो, तुम कौन से टीचर को पसंद करते हो? मिसाल किसका दे रहे हो? बोलो, अरे तुम्हें कौन सा टीचर पसंद आता है? नरक बनाने वाला? याद क्यों आया? और हैं? इनमें से नहीं पूछना, अभी तुमने लिख के दिया, वो हम पढ़ के सुनाएंगे। ब्रह्मा शिव बाप को कहते हैं? ब्रह्मा शिव बाप को कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? इनके आदि में ब्रह्मा बाबा, एकदम यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ने कहाँ पहचाना अपने को, मैं ब्रह्मा हूँ? पहचाना क्या है? एकदम यज्ञ के आदि में सन 36-37 में उनको साक्षात्कार हुए, तो उन्होंने लाल लाइट के गोले को याद किया या बाप को याद किया? तो लाल लाइट का गोला याद करते थे बस। गोले का चित्र यज्ञ के आदि से ही बना हुआ। उनको जैसा साक्षात्कार हुआ वैसा ही तो याद करेंगे। साक्षात्कार झूठे होते हैं या सच्चे ही सच्चे होते हैं? और अगर सच्चे होते भी हैं तो उनका अर्थ भक्त लोग जानते हैं या ज्ञानी तो आत्मा की बुद्धि में उनका सही अर्थ बैठता है? ज्ञान की आत्मा की बुद्धि में सही अर्थ बैठेगा तो याद कहाँ से करेगा? राम वाली आत्मा क्या? सेवक राम वाली आत्मा किसको याद करते थे? उस समय तो पूरा ज्ञान था ही नहीं। मुरली में तो बता दिया शुरुआत में ज्ञान था नहीं था, तो जब पूरा ज्ञान ही नहीं था तो बाप का पूरा परिचय भी नहीं था। उनकी याद चली नहीं। हाँ जी, मिनी मधुबन और गीता पाठशाला की निमित्त आत्मा का पार्ट क्या है? मिनी मधुबन की निमित्त आत्मा का पार्ट क्या है, माने इंचार्ज का पार्ट क्या है, और गीता पाठशाला की निमित्त आत्मा का पार्ट क्या है? क्या पार्ट होना चाहिए? छोटा टीचर माने टीचर ही बनेंगे बड़ा ड्रामा में? ये भी बात बाबा ने मुरली में बोला, कोई तो सतयुग त्रेता में भी जाकर के टीचर बन जाएंगे। यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं लेकिन खुद धारणा नहीं करते, तो वहाँ क्या बनेंगे? अच्छे टीचर बन जाएंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे। और सतयुग त्रेता के हिसाब से 21 जन्म के हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। बनना तो चाहिए राजा, किसको? निमित्त टीचर को, चाहे गीता पाठशाला की हो और चाहे मधुबन की हो।
क्या बनना चाहिए उनको, जन्म जन्मांतर क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए। लेकिन अच्छे से पाठ नहीं बजाते हैं तो कोई तो टीचर ही बन के रह जाएंगे, कोई छोटे टीचर बनेंगे, कोई बड़े। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर एक निमित्त टीचर जो है वो अच्छी पढ़ाई पढ़ाई लेता हो। बहुत ऐसे हैं कि उनको खड़ा कर दिया जाए क्लास के सामने और कह दिया जाए ये पढ़ के सुना दो, तो भी थर 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 कांपने लगे, माताओं से पढ़वाएंगे। ऐसे भी निमित्त टीचर होते हैं। ऐसे दुनिया में कोई थोड़े बहुत राजाएं देखे कि नहीं है? किसी ने हमला किया राज्य के ऊपर और थर 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 कांपने लगे और राजपाट छोड़ करके भाग गए। कोई फिर राजा भी बनेंगे, महाराजा भी बनेंगे, रानियां बनेंगी, महारानियां बनेंगी। तो ये निश्चित नहीं है कि मिनी मधुवन और गीता पाठशाला के निमित्त आत्मा क्या पाठ बजाएंगे। कोई तो एक जन्म के ही राज परिवार में आकर के रह जाएंगे, राज परिवार में एक जन्म के लिए आएंगे, प्रिंस या प्रिंसेस बन जाएंगे अल्पकाल के लिए बस। जिम्मेवारी लेंगे, थोड़ी सी जिम्मेवारी ली है तो वहां एक जन्म के लिए थोड़े से समय के लिए प्रिंस प्रिंसेस बने और वह खलास शरीर छोड़ दिया। द्वापर कलयुग में ऐसे बहुत होते हैं, छोटे पद में दुनिया भी मात मर्तबा ले लिया प्रिंस प्रिंसेस बन करके, उसके बाद शरीर छोड़ के चले गए। ये मृत्यु तुम्हारी बात है नहीं है। क्यों, कोई गुरु है तुम्हारा है बदुआ है ना? अपना नहीं बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सच्चा है। बेलूर से सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य से कलह किया, ये फिर भारत के अन्य जगहों में फैलता गया। ब्रिटिश राज ही था ना अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के राज्य से लड़ाई शुरू की यहाँ के सिपाहियों ने, वेल्लूर के सिपाहियों ने। वो बात फिर सारे हिंदुस्तान में फैल गई, हिंदुस्तान की जगह जगह के सिपाहियों ने कलह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ बेहद में शूटिंग कैसे होगी? भविष्य की बात पहले बताई जाती है क्या है? अभी तो ड्रामा चल रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है, यहाँ बीके सेंटर चला कि नहीं चला? कितने साल से चल रहा है? 15 साल से चल रहा है। तो वहां बेसिक से शूटिंग पकड़ो, क्योंकि बेसिक में जैसा हुआ होता है वैसा ही आगे चल के एडवांस में होगा। तो बेसिक में क्या हुआ, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती कि नहीं है? मिलाई जाती है। तो बेसिक में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो भी ब्राह्मण रहे हैं, जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, दिखावा करने वाले हैं,
अंदर अंदर उनके क्रोध भरा हुआ है। जिसके अंदर क्रोध भरा हुआ होता है वो आंख में आंख मिला के देखता है कि नजरें चुरा के भाग जाता है, है? आंखें भी नहीं मिलाता, ओम शांति करता है? ओम शांति तो क्या, कोई शांति नहीं करता, बातचीत करता है? बातचीत भी नहीं करता, क्यों? अंदर क्रोध भरा हुआ है ना। तो ऐसी क्रिश्चियनिटी की शूटिंग करने वाले जो भी तथा कथित अंग्रेज हैं कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में, उनकी राजाई बेसिक में चल रही है कि नहीं चल रही थी? है? चल रही थी बेसिक में, राजाई चल रही थी। और वो राजाई चलते समय कोई तो निकला होगा पहले पहले एडवांस में, कौन निकला? हाथ उठाओ। पहले पहले बेसिक में, बेलूर में बेसिक में से निकल के एडवांस में कौन आया? जयराम भाई और तो ये ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई हुई कि नहीं? हैं? लड़ाई शुरू हुई कि नहीं? हैं? बहुत लड़ाई शुरू हुई, फिर ये लड़ाई चारों तरफ फैल जाती है। हैं? 95 की बात है, 95 से ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ चला बेलूर में, शूटिंग शुरू हुई। झगड़ा कब शुरू हुआ? बेलूर में ब्रिटिश साम्राज्य तो चला 95-96 से, लेकिन झगड़ा कब शुरू हुआ? अरे एडवांस आया होगा तभी तो झगड़ा शुरू हुआ ना। हाँ, कौन से सन में झगड़ा शुरू हुआ? 1992 में आएगा। 1992 में दो हजार दस में झगड़ा शुरू हुआ, एक साल पहले। क्या 19 बेसिक में आए निकल के? तो यहाँ बेसिक था ना, ये तो कह रहे, आप तो कह रहे 15 साल हुए बेसिक निकले, बेसिक को 15 साल थोड़े हुए, 20 साल हो गए। हैं? हाँ, 20 साल हो गए बेसिक के बाद। एडवांस में पहले पहले आप कब निकले? 92 में, एक साल के अंदर ही जवान तैयार हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई करने वाला। तो दिल्ली में एक तरफ स्थापना होती है और दूसरी तरफ बेलूर में विघटन शुरू हो जाता है। दिल्ली में 92 में तो नाम निशान भी नहीं था स्थापना का, सिर्फ विजय विहार की जगह खरीदी गई थी। दस पंद्रह साल बीके में सेवा करने के बाद और फिर एडवांस में आने के बाद क्या बीके की सेवा का फल मिलता है? तमिल में अनुवाद कर दो। क्या फल मिलता है?
बीके में भक्ति चल रही है या ज्ञान चल रहा है? क्यों भक्ति चल रही है? समान नहीं है ना। बीके में भक्ति इसलिए चल रही है कि हाँ भगवान नहीं मिला किसी को, भगवान का असली परिचय नहीं मिला। क्या ब्रह्मा बाबा ने भगवान को पहचाना? नहीं पहचाना। अगर भगवान को पहचाना होता तो अपने नाम के रूप, अपने नाम को आगे लगा करके संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्यों रखने देता? बाप का नाम साथ में लगाता या अम्मा ब्रह्मा का नाम लगाता? बाप का नाम भी साथ में लगाता। तो ब्रह्मा ने ही भगवान के साकार रूप को नहीं पहचाना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां से पहचानेंगे? तो वहां है भक्ति और एडवांस में है। जो भी आत्माएं निकलती हैं, नंबर वार भगवान बाप को पहचानने वाली ही निकलती है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा है। जो बाप को जानता है वो आस्तिक ज्ञानी, और जो बाप को नहीं जानते हैं वो नास्तिक अज्ञानी भगत। तो जो भगत हैं उनको क्या फल मिलता है ज्ञान में आने का? बेसिक ज्ञान में आने का उन भक्तों को फल क्या मिलता है? बल 15-15 साल चले हैं, 15 साल की तो बात छोड़ो, सन 36 से चलने वाले भी चल रहे हैं, 70 साल लगभग हो गए कोई कोई को चलते चलते, उनको भी फल मिलना है। क्या फल मिलेगा उनको? भक्ति का फल भगवान मिलेगा। ये क्या अंतर कि 70 साल की भक्ति करने वालों को फल मिलेगा और अभी अभी एक एक साल और 6 महीने बेसिक में चले हैं और एडवांस में आ गए, उनको भी भक्ति का फल मिला? उनको इतनी जल्दी मिल गया, उनको 70 साल के बाद भी नहीं मिला, कारण क्या है? नहीं, समझ को तो ज्ञान ही कहा जाता है। हाँ, उन्होंने भक्ति धीमी धीमी गति से की है, और जिन्होंने तीव्र भक्ति की है उनको जल्दी ज्ञान मिल जाता है। और अभी अभी जवाब देख लिया गया अभी दो तीन दिन की पहले। अब वो आ जाएगा, बार बार रिपीट करने की क्या फायदा, टाइम वेस्ट करना है ना। और कोई नया दूसरा प्रश्न पूछो। सारे कट उतरने के बाद कोई 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 ना कोई मट्टी करने के बाद कोई कोई विष्णु पाठ में आत्मा का सारे कट उतरने के बाद आत्मा की सारे कट उतरने के बाद बाप से डायरेक्ट किसी के लिए कोई आपने भर्ती करने के बाद बाप से मिलन मनाते हैं फिर बेसी में करते वापस में वापस करते हैं बेसी में। हाँ, कोई विष्णु पार्टी में जाते हैं। जैसे जैसे जंक लगा हुआ लोहा होता है ना, उसको तेल में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में, तो कट उतरती है ना। तो ऐसे ही आत्माओं की कट बेसिक में उतरती तो है, लेकिन कोई की पूरी कट उतरती है कोई की नहीं उतरती है। कोई ने अधूरा ज्ञान सुना है। भक्ति करने से पहले क्या कहा जाता है? अच्छी तरह समझा के लाओ या अधूरा समझा के लाओ? अच्छी तरह घास लेट में डाल के लाओ। जो बेसिक में ज्ञान दिया जाता है वो घास लेट है या घी है? वो मिट्टी का तेल है या शुद्ध घृत है? क्या है? मिट्टी का तेल है। उसमें देह अभिमानी की मिट्टी बहुत भरी हुई है, ये कैसे कहें?
कि जो बेसिक में ज्ञान दिया जा रहा है उसमें देह अभिमानी की मिट्टी भरी हुई है। देहधारी गुरुओं ने दिया, यहाँ देहधारी गुरु नहीं है। यहाँ बाप से डायरेक्ट ज्ञान क्लैरिफिकेशन मिलता है, डायरेक्ट ज्ञान मिलता है, वहाँ ब्रह्मा के थ्रू मिलता था, ये अंतर पड़ जाता है। तो जो पूरी कट है वो बेसिकली उतरती है, बेसिकली माने शुरुआत की। कोई की कट उतर भी जाए फिर बरसात पड़ना शुरू हो जाए, दुनियावी संग का रंग लगने लगे तो कट चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी है? अभी अभी भट्टी की, अभी घर में जाकर के वो बेकार में गिर गया, तो दुनियावी संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा की कट उतर गई तो फिर हमेशा उतर ही बनी रहेगी, दोबारा भी चल सकती है। और काम महाशब्द काम महाशत्रु कब बंद होगा? जब आत्म की स्थिति में से हटना बंद होगा। अभी आत्म की स्थिति से हटते हैं या डटे रहते हैं? अरे अपने को बिंदु आत्मा हर समय देखते रहते हैं या देवान आता है? देवान आएगा तो काम विकार आएगा। काम क्या? क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आएंगे। देवान बाप है, जब तक ये बाप मौजूद है तब तक पांचों विकार आएंगे, छोटे मोटे सुस्ती आदि विकार भी आते रहेंगे। कब तक आएगा? जब तक देवान आएगा तब तक काम विकार आएगा। कब खत्म होगा? जब देवान खत्म होगा तो काम विकार खत्म होगा। अभी तक मोटी मोटी प्रश्न पूछते हैं। इतने छोटे से हाल में इसकी जरूरत है? ये तो फालतू ही मंगवा लिया। हाँ, कोमा की स्टेज में कोई चला जाता है, कोई कोमा की स्टेज में चला जाता है, आत्मा का क्या हाल होता है? आत्मा लिंग में चली जाती है, सूक्ष्म शरीर पकड़ लेती है। तो बाबा अभी ये कैडावर ट्रांसप्लांट करते हैं, आदमी बूढ़ा रहता है लेकिन ब्रेन डेड होता है, तो आज इन सब निकालते रहता है, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें क्या होगा? बाबा कुछ एक्सीडेंट में दूसरों को निकाल करके डाल देते हैं, आत्मा दुख
कॉन्शियस ऐसे वो दवाई इंजेक्शन लगा के शरीर को सुन्न कर देते हैं ना, आत्मा भी सुन्न हो जाती है। जैसे कोई ड्रग पी लेता है तो निश्चेत हो जाता है, ऐसे आत्मा चेतनाहीन हो जाती है। वो हत्या करने की हत्या करना है ना, वो हत्या क्यों करना? अगर जिंदा बच गया तो हत्या काहे की है? तो नहीं बचेगा बाबा, डेड हुआ, ब्रेन डेड हुआ। तो फिर तो डॉक्टर उसके पीछे मेहनत क्यों करेंगे? हार्ट निकाल लेते हैं। ऐसा होता है कि आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसके थोड़े समय तक शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जान बची रहती है, शक्ति बची रहती है आत्मा की। जैसे उंगली काट दो तो उंगली थोड़े समय तक हरकत करती रहेगी, तो ये आत्मा की शक्ति उसमें हरकत कर रही है ना। ऐसे ही ये शरीर के ऐसे ऐसे नाजुक अंग हैं जो शरीर आत्मा छोड़ देती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर भी वो शरीर के अंग उनमें आत्मा की शक्ति थोड़े समय कार्य करती रहती है। उनका अपना अपना टाइम निर्धारित होता है, उस निर्धारित टाइम के अंदर अगर निकाल लेंगे तो काम करेगा, बाद में काम नहीं करेगा। नौ लाख आत्माओं का संगठन माउंट आबू में, राजधानी दिल्ली में स्थापन होगी, दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी। 9 लाख में से 4.5 लाख तो विजयमाला के होंगे कि रुद्रमाला के होंगे? तो विजयमाला वाले कहाँ पहले ट्रांसफर होंगे? कहाँ ट्रांसफर होंगे? दिल्ली में ट्रांसफर होंगे। फिर रुद्रमाला वाले जो ऐड होते जाएंगे वो भी ट्रांसफर होते जाएंगे। रुद्रमाला को विजयमाला में ऐड होना है या नहीं होना है? होना है। तो जब वो ऐड हो जाएंगे तो वो भी ट्रांसफर होंगे। बाप सबसे बाद में जाएगा या पहले जाएगा? क्यों? बाप कमजोर है क्या? हाँ तो महात्मा गांधी को क्यों लेफ्टिस्ट में दिखाया? कौन? महात्मा गांधी को लेफ्टिस्ट में दिखाया। वो कुरु है या पंडा है? वो कौरव पैदा करने वाले हैं या पांडव पैदा करने वाले पंडा हैं? कुरु है। स्वर्ग कौन स्थापन करेगा? वो क्या समझते हैं? गांधी जी क्या समझते थे? राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? प्रैक्टिकली में बनाने वाले कौन, किसको समझते थे? अरे किसके लिए भाग दौड़ कर रहे थे? उनकी बुद्धि में क्या था कि राम राज्य कौन लाएगा, उसका मुखिया कौन होगा लाने का? अपने को समझते थे? गांधी जी किसको समझते थे? राम राज्य लाएंगे तो राम राज्य लाने के लिए पुरुषार्थ मुखिया, पुरुषार्थ कराने वाला मुखिया कौन था उस समय? राम राज्य लाने के लिए जो भी कांग्रेसियों ने पुरुषार्थ किया उनका मुखिया कौन था? गांधी जी। तो कुरु हुए कि नहीं? और ये कांग्रेसी क्या हुए? कौरव हो गए। तो जो कहते हैं हम लाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, वो हो गए कुरु। आपका प्रश्न क्या है? हैं? हाँ, इसीलिए कौरव लेफ्टिस्ट हैं या राइटियस हैं? लेफ्टिस्ट हैं। नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हैं।
भगवान बाप को जानते ही नहीं, इसलिए अहंकार चढ़ा हुआ है कि हम करेंगे स्वर्ग बनाने का काम। तो नास्तिक हुए ना। ओम शांति। हाँ प्यार से प्यार होने से याद आता है। हाँ क्योंकि बाबा एक हाथ की ताली नहीं बजती है, एक हाथ की ताली नहीं बजता है। माने शिव बाबा भगवान बन के आता तो है लेकिन वो अपनी तरफ से प्यार नहीं करता है। ये इस बात का जवाब दो पहले। भगवान भगवान तो टाइटल ले लेता है भगवान बनने का, लेकिन भगवान किसी को प्यार नहीं करता। दूसरे बच्चे भगवान को प्यार करते रहते हैं जैसे वीर नारायण। भगवान के प्यार में और बच्चे के प्यार में एक आपकी सारी वाली बात क्यों नहीं आएगी? एक हाथ कमजोर है और दूसरा हाथ पावरफुल है। अब ये हाथ ताली बजा रहा है, अब दोनों हाथ पावरफुल हैं, ताली बजेगी नहीं तो नंबर वार हैं। ये बुद्ध रूपी हाथ सब नंबर वार है, सबके अंदर एक जैसा प्यार का पार्ट नहीं भरा हुआ है। बाप की प्यार पहचान नहीं है, उसकी भी होती है क्या? है बाप की प्यार पहचान नहीं है। हाँ भी नियमित समय या स्थिति होता। अरे नियमित समय क्या होता? कीड़े और मकोड़े जानवर पशु पक्षी भी प्यार को पहचानते कि नहीं? हित आना हित पशु पक्षी जाना, प्यार को कौन नहीं पहचान लेता है? मनुष्य तो बहुत ऊंची चीज हो गई। हाँ प्रजापिता को जब सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता है तो उसको 100% पतित कैसे करें? सूक्ष्म शरीर भी उतना ही पतित और पावन बनता है जितना स्थूल शरीर बना होगा। अगर स्थूल शरीर से का पाप ज्यादा किए हैं और जिस परसेंटेज में किए हैं उतना ही बड़ा भूत प्रेत बनेगा, उससे बड़ा या छोटा नहीं बन सकता। तो भूत प्रेत बनने की कैटेगरी भी साकार में निश्चित होनी चाहिए पहले। अगर भूत प्रेत बनता है तो, अगर फरिश्ता बनता है तो भी साकार में निश्चित होना चाहिए। जैसे अष्टदेव हैं फरिश्ता बनते हैं, नंबरवार फरिश्ते बनते हैं या एक जैसे फरिश्ते बनते हैं? नंबरवार बनते हैं। कुरान में लिखा हुआ है कयामत के टाइम पर खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, तो नंबर वार आगे पीछे रहे होंगे ना। है हाँ जी द्वापर युग के आदि में हर धर्म का फाउंडेशन डालते हैं भगवान जान है। द्वापर युग के आदि में है हाँ ब्रह्मा बाबा हाँ जगत पिता जगदम्बा
है धर्म का स्थापना पालना फाउंडेशन करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ राजा ही की स्थापना करने के लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कहा है, धर्म स्थापना धर्म पिताओं का काम है, वो धर्म पिताओं का काम राजा ही स्थापन करना नहीं है, वो राजा ही स्थापन करके नहीं जाते, उनकी संख्या जब लाखों की तादाद में हो जाती है 4-6-8 जन्म के बाद, तब प्रजापिता वाली कैटेगरी की आत्माएं उनकी राजाई स्थापन करने के लिए जाती है, डाढ़े से उनको भी वर्षा मिलता है, वो है विधर्मियों का वर्षा। और निराकार बाप देते हैं कौन सा वर्षा देते हैं, सूर्यवंशी वर्षा देते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। त्रेता युग के अंत में जो हाथ के काम करके पूरा स्वर्गीय है, त्रेता युग के अंत में जो हाथ के काम करके क्या खा के भूकंप भूकंप आते हैं, वो जो भी त्रेता युग की जो स्वर्गीय संगठन था वो सब दिख जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद जब दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं है? क्यों नहीं रहेगा, सूर्यवंशी वाले खत्म वापस चले जाते हैं क्या, सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं वो वापस चली जाती हैं या मौजूद रहती हैं सृष्टि पर? अरे वो सूर्यवंशी संस्कार आदि से अंत तक उनके अंदर रहेंगे, वो नहीं झुकने वाले हैं किसी से, धर्म नहीं रहेगा, प्रायः लोप हो जाएगा, पूरा लोप नहीं होगा। हाँ तो बता तो दिया प्रायः लोप होता है, सूर्यवंशी कभी दूसरे धर्म में जाकर के नहीं जाते हैं जन्म लेने के लिए, वो सिर्फ राजाई स्थापन करने के लिए जन्म लेते हैं, बस वापस आ गए, अपना काम किया और कुछ लेना देना नहीं, वो भी बच्चे हैं उनको भी वर्षा देना है, वर्षा दिया और वापस आ गए। और बाबर को कहते हैं एक ही जगह में सिपाही से सम्राट बना है, बाबर वाली आत्मा है जो कैसा संगमी की कुंडली है, बाबर वाली जो आत्मा है हाँ हाँ धारणा किया जो कि राम जनक भूमि में बाबरी मस्जिद बनाया है, बाबरी मस्जिद हाँ बाबरी मस्जिद बनाया, पाप कर्म करने से बाबरी मस्जिद बनती है, अरे अंधश्रद्धा को खत्म किया, मूर्तियों की पूजा करने से फायदा नहीं है, भारतवासियों को ये बात बताने के लिए वो बाबर बना और बाबरी मस्जिद की स्थापना की कि बुत परिस्त बनने से फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा दीवाल बना लो और भगवान को याद करो, क्यों ज्यादा पैसा खर्च करते हो, बाल बच्चों को खिलाओ, और ऐसा कौन सा धारण किया है, हाँ हाँ हाँ, अभी वो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म या दूसरे धर्म की स्थापना का काम हुआ है, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं निकले हैं, अरे निकले हैं कि नहीं निकले हैं, कहाँ निकले अभी वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं कोई निकले नहीं निकले, जब टाइम आएगा तो वो शूटिंग भी प्रत्यक्ष हो जाएगी।
और अच्छी किताब खंड एक में एक पॉइंट है, बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको श्रीमद मिलता है, बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको श्रीमद मिलता है, हमको श्रीमद मिलती है, हमको श्रीमद मिलता है, वैसा है पॉइंट, हमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, रिस्पॉन्सिबल बाबा है, पर नहीं चलेंगे बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए हमें शिव बाबा ही श्रीमत देते हैं, श्रीमत है श्रीमत किससे मिलती है, बच्चों को समझना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए कि हमको श्रीमत मिलती है, ऐरा गहरा न तू खैरा न मैं श्रीमत दी, ऐरा गहरा लिखने की बात नहीं है, समझे क्या है इसका पॉइंट का अर्थ क्या समझे, ऐरा गहरा नथु खैरा ने मत दे दी उसको भी श्रीमत समझ लें नहीं। तो हमेशा कहाँ समझे, तो वो वैसा लिखा हुआ है वो पॉइंट देखो और पढ़ो और सुनाओ, या तो तुम्हारी पढ़ने में गलती है या तो छापने वाले के छापने ने गलती कर दी, कैसे याद करना चाहिए, ऐसे ही याद करना चाहिए कि शिव बाबा ने जो कुछ बोला है वो ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला है, प्रजापिता ने नहीं बोला है, शिव बाबा ने ही बोला है, हाँ बाप उसको सुधार ही देंगे, ये जो कुछ भी करते हैं जो कुछ भी कहते हैं उसका जिम्मेवार मैं हूँ, तुम ऐसे ही समझो हमको श्रीमत मिलती है एक बाप की, ऐड करना चाहिए पॉइंट, अब वो जहाँ गलती हुई है वो देखना पड़े ना, एक और बात है उसके आगे आगे कहाँ गए श्रीमत पर चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, और फिर कहा गया है बाप कहते हैं कि मैं इन द्वारा श्रीमत मत देता हूँ, तो बाप कहते हैं मैं इन द्वारा, तो बाप कहते हैं कहने वाले व्यक्ति से, बाप कहते हैं मैं इन द्वारा मत देता हूँ, तो मैं बाप कहते हैं कहने वाला व्यक्ति, बाप जो कहते हैं कहने वाली आत्मा बिंदी है सुप्रीम सोल, और जिन द्वारा देता हूँ उनकी तरफ इशारा करते हैं, ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं जिनके द्वारा मत देता हूँ, और छोटे छोटे तो पढ़ लें, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, साकार में ये बातें कब सारी दुनिया स्वीकार कर लेगी, अरे बाप प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया स्वीकार भी करेगी, बाप हम बच्चों के सामने सदैव प्रत्यक्ष है, अरे है कि नहीं है, है झूठ बोलते, अभी अभी निश्चय आता है अभी अभी अनिश्चय आता है, तो सदैव प्रत्यक्ष है, है निश्चय क्या, ये प्रश्न कहां से आ रहे हैं ढेर के ढेर, जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बोलतियां बंद हो जाएंगी, है पिता का भगवान कृष्ण नहीं है, पिता के भोलेनाथ नहीं कहते हैं, है तो तीनों आत्माएं शामिल है, पिता में तो तीनों आत्माएं शामिल है, हाँ एक का नाम तो है, है एक का नाम तो है, हाँ आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है या शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, नाम किसके ऊपर पड़ता है, आत्मा की पहचान शरीर से होता है, हम जो पूछ रहे हैं वो बात बताओ, एक शिव ज्योति बिंदु है जिसके ऊपर नाम पड़ा है शिव, उसे एक आत्मा को छोड़ करके
दूसरी कोई ऐसी आत्मा बताओ जिसकी आत्मा के ऊपर नाम हो, शरीर के ऊपर नाम न हो, कोई है? तो फिर बात खत्म हो जाती, तुम्हारी बात का जवाब आ गया कि शंकर जो नाम है वो शरीरधारी का नाम है, और शरीर किसका है? राम वाली आत्मा। समझाने के लिए कहा जाता है कि काम के आधार पर नाम पड़ता है, शरीर एक ही है, एक ही शरीर के द्वारा काम किए जा रहे हैं, बातें बोली जा रही हैं, लेकिन वो एक ही शरीर तीन आत्माओं का काम कर रहा है, तीन आत्माओं की बातें बोल रहा है, परंतु हमको तो डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या डायरेक्शन मिला है? तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा बात करते हैं, हम ना ब्रह्मा से बात करते हैं ना प्रजापिता से बात करते हैं, हमारा लेना देना किससे है? हमें सारा लेना देना शिव बाबा से। ब्रह्मा भी भरतनाट्य पहनी और शंकर भी भरतनाट्य पहनी, भरत पाउंड कौन है? शिव बाबा भरत पाउंड है। सूक्ष्म शरीर से रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश होता है? नहीं, प्रजापिता वाली आत्मा है। प्रजापिता वाली आत्मा जब संपन्न बने तो बच्चों में प्रवेश करेगी, और ब्रह्मा वाली आत्मा संपन्न नहीं है फिर भी रुद्रमाला के मणके ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो भी आत्माएं हैं, चंद्रवंशी आत्माएं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? अरे 4.5 लाख जन्म लेने वाले बच्चों से जन्म देने वाले 4.5 लाख ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए ओमर आदि मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा जैसी आत्माएं या उनके फॉलोअर्स 4.5 लाख जिनकी भी रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करेंगे, उनका संघ का रंग उनको लग जाता है, वो भी बीज रूप स्टेज में आ जाते हैं। संघ का रंग लगने से सूक्ष्म शरीर क्या हो जाता है? भूल जाता है। वो तो बीज बीज मिलके एक ही हो गए ना, है? हाँ, राम वाली आत्मा के लिए बाप दादा है या नहीं है? कौन है बाप दादा? राम वाली आत्मा के लिए बाप कौन है, दादा कौन है? शिव बाप है और दादा ब्रह्मा है, बात खत्म हो गई। वो तो दोनों कंबाइंड है, राम वाली आत्मा के लिए ये अलग अलग है, कंबाइंड है। भले कोई भी आके बोले, वो क्या समझेगा कौन बोला? शिव बाबा बोला, शिव बाबा ने बुलवाया, वो ही संभालेगा। ओम शांति।